नमस्कार, मैं हूं अंशिका। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं सी न्यूज लाइव में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थाना सिकंदरा क्षेत्र के पश्चिमपुरी में से एक मामला सामने आ रहा है जहां पर एक ही घर के तीन लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि फांसी के फंदे पर पति का शव लटका मिला, मृत अवस्था में जमीन पर पत्नी का शव पड़ा मिला। एक बच्ची को अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई और दूसरी बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बैटरी कारोबारी के साथ उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थाना सिकंदरा का ये मामला है, थाना सिकंदरा के पश्चिमपुरी का मामला है जहां पर एक ही घर के तीन लोगों की मौत होने से हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं, घर ये वही है जिसमें वो तीन लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि तीन लोगों की मौत में पति और पत्नी और उनकी एक छोटी बेटी की मौत हुई है। आपको बता दें जबकि एक बेटी को अस्पताल ले जाते समय मौत हुई है और दूसरी बेटी की हालत नाजुक बनी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थाना सिकंदरा से आ रही है। थाना सिकंदरा के पश्चिमपुरी वंशी विहार कॉलोनी का ये मामला है जहां पर एक ही घर के तीन लोगों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। परिवार में दहशत फैल गई है, परिवार में कोहराम मचा हुआ है। एक परिवार के तीन लोगों की मौत से घर सूना हो गया है। एक परिवार के आपको बता दें कि पति का जो शव है वो फांसी के फंदे पर लटका मिला, पत्नी का शव जमीन पर पड़ा मिला और इसके साथ ही जो एक बच्ची थी उसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई और एक बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल यहां पर हम सीधा जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता उमेश शर्मा से। उमेश, आखिरकार जो पुलिस को सुसाइड नोट मिला है मौका वारदात से, उसमें क्या मेंशन है? देखिए, ये बंसी विहार कॉलोनी है पश्चिमपुरी और ये अभी सीमा विवाद में पुलिस उलझी हुई है, या सिकंदरा जोगीशपुरा का की सीमा है तो इस बात को लेकर भी अभी असमंजस में है पुलिस। लेकिन यहाँ बंसी विहार में इनका ऑफिस था, योगेश मिश्रा है, ये यहाँ पर मालती एनक्लेव बोदला पर रहते हैं, रहते थे। इनकी पत्नी है प्रतीक्षी और इनकी दो बेटियां थी, एक 3 साल की है, एक 11 साल की है जी। तो एक पत्नी के जो सब है वो यहाँ ऑफिस में मिले हैं और बेटी बेहोश की हालत में घर पर मिली थी, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन वहाँ इसको बचाया नहीं जा सका। यहाँ बताया ये गया है कि ये योगेश मिश्रा है, इनका बैटरी का और यूपीएस का काम था तो यहाँ पर काफी समय इनका ऑफिस था। यहाँ एक कर्मचारी है इनके पार्टी, उनका ये कहना है कि ये कल यहाँ पत्नी कभी नहीं आती थी और कल पत्नी के साथ यहाँ आए थे और बच्चियां भी यहाँ खेल रही थी, लेकिन शाम को ये अपनी बेटियों को घर छोड़कर आए थे और उसके बाद ये लौट के नहीं आए। आज सुबह ये लौट के आए हैं। ये आज एक जो मनोज पाठक हैं, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, इनके काफी पुराने हैं, करीब 11 साल से इनका काम कर रहे थे तो वो आए तो इनको सुबह मैसेज दिया कि यहाँ पर ऑफिस में आइए तत्काल, तो ये आए तो इन्होंने देखा कि इनकी बॉडी जो थी वो फंदे पर लटकी हुई थी और जो इनकी पत्नी प्रतीक्षी वो फर्श पर पड़ी हुई थी और एक तलाशी ली गई तो यहाँ ऑफिस में एक साइड नोट मिला, उसमें साफ लिखा है कि हम अपनी स्वेच्छा से आत्महत्या कर रहे हैं। तो यहाँ तत्काल पुलिस के अधिकारी और पुलिस भी पहुंच गई थी तो अभी जानकारी की जा रही है। इनकी एक वृद्ध माँ है, वो अपने घर पर ही मौजूद थी। इनकी जो बेटी है जो वो अभी हालत उसकी ठीक है, लेकिन बताया गया है कि एक ही बेटी को साथ घर खिलाया गया है तो उसकी मौत हो गई है। हालांकि बड़ी बेटी की जो वो हालत है वो बिल्कुल ठीक है। जी उमेश, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये जो इन्होंने जो सुसाइड की है, क्या किसी विषाक्त पदार्थ को खाकर सुसाइड की है? क्योंकि जो व्यापारी है उनका शव जो है फांसी के फंदे पर लटका मिला है और जो उनकी पत्नी है उनका शव जो है वो जमीन पर पड़ा मिला है। जी, इनका जो व्यापारी है योगेश मिश्रा है वो फांसी के फंदे पर लटके हुए थे और अंदर का ऑफिस था उसमें उनकी पत्नी है वो प्रतीक्षी वहाँ फर्श पर पड़ी हुई थी और वहाँ देखा कि घर पर उनकी जो बेटी है 3 साल की काव्या है वो बेहोशी हालत में थी और मुंह से झाग निकल रहे थे, उसको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन उसको चिकित्सक बचा नहीं सके हैं। तो अभी हालांकि उसमें सुसाइड नोट में ऐसा कोई वो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ जो इनके एक कर्मचारी है मनोज पाठक उनके लिए लिखा है कि ये मेरे बहुत करीबी है और इन्होंने अच्छा काम किया और हमने सुसाइड जो कर रहे हैं वो अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, किसी को इसमें दोषी नहीं ठहराया गया है। लेकिन यह फोर्स कॉलोनी में इस तरह की घटना
होने पर यहाँ पे काफी लोग समझ नहीं पा रहे थे। उनका कहना है कि यहाँ ये अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर नहीं आते थे और यहाँ जो इनके कर्मचारी हैं मनोज पाठक, उनका कहना है कि पति पत्नी की आपस में कभी भी झगड़ा या विवाद नहीं होता, लेकिन कहाँ से नहीं विवाद होता रहता था, लेकिन ऐसा झगड़ा नहीं होता था कि जिस तरह से आज घटना हुई है यहाँ तक। जी उमेश, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहिए, लेकिन इससे पहले हम सुनाते हैं, जनता को सुनाना चाहेंगे कि एसएसपी का इस मामले में क्या कहना है। आप लाइन पर बने रहिए। सर, तीन लोगों की मौत की घटना का मामला सामने आया, क्या कुछ पूरा मामला है? ये थाना सिकंदरा क्षेत्र में वंशी बिहार में जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ योगेश मिश्रा बैटरी का व्यवसाय किया करते थे और इसमें इनका ऑफिस भी था ऊपरी तल पर और नीचे का तल खाली था। आज सुबह जब इनका नौकर आया तो योगेश मिश्रा और उनकी पत्नी दोनों यहाँ पर मृत अवस्था में थे, एक सुसाइड नोट भी था। उन दोनों को यहाँ से पंचायतों में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, फॉरेंसिक जो टीम है वो भी यहाँ पर आई और डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर आया। इसके उपरांत ये पता चला कि इनकी दो बेटियाँ भी जो जगदीशपुरा में इनका मकान है जहाँ रहते थे वहाँ अचेत अवस्था में थी, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया जिसमें छोटी बेटी हॉस्पिटल में मृत घोषित की गई है और बड़ी जो बेटी है उसका इलाज चल रहा है, अभी ठीक है। पूरे घटनाक्रम के बारे में पूरी तफ्तीश की जा रही है और अभी जब बेटी ठीक हो जाएगी तो सारी चीज़ें सामने आएंगी। मौत का कारण अभी मालूम नहीं पड़ पाया क्या है? देखिए, पंचायतों में पोस्टमार्टम, जब पोस्टमार्टम होगा तब मौत का कारण पता चलेगा। इनकी जो पत्नी थी वो नीचे फर्श पर लेटी हुई थी और ये पंखे पर लटके हुए थे, तो सारी चीज़ों का अभी जब इनकी बेटी होश में आ जाएगी तो पूरी बात पता चलेगी और उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी आपने सुनी एसएसपी की बाइट। देखा जा रहा है कि वो पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौत के कारणों का जो पता लगेगा वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा। एक बार फिर से जुड़ते हैं हमारे संवाददाता उमेश शर्मा से। उमेश, ये जो बताया जा रहा है कि मौत का कारण तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन क्या किसी कारण की पुष्टि हो पाई है कि इतना बड़ा कदम पूरे परिवार को लेकर के एक व्यापारी ने उठाया, इसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं? देखिए, यहाँ जो बताया गया है कर्मचारियों के द्वारा वो यही कह रहे हैं कि यहाँ कोई आर्थिक स्थिति भी खराब नहीं थी, कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पिछले एक दो साल से या पहले 15-20 कर्मचारी जो इनके यहाँ काम करते थे, लेकिन अब सभी कर्मचारी काम छोड़कर चले गए थे और यहाँ इनका जो काम देख रहे थे कुछ ही एक दो कर्मचारी थे, लेकिन पत्नी के विवाद के चलते बताया गया है कि ये कदम उठाया गया है, क्योंकि पत्नी के बीच अभी कुछ दिनों से कुछ विवाद ज्यादा हो रहा था और पत्नी भी यहाँ कभी नहीं आती थी, लेकिन कल यहाँ लेकर आए, बच्चियों को लेकर आए। तो ये योगेश मिश्रा है, ये कल बच्चियों को छोड़ने गए, फिर ये यहाँ पर नहीं आए, आज सुबह 6 बजे करीब यहाँ आए हैं। उसके बाद में ये बताया, माना जा रहा है कि इनकी हत्या कल ही कर दी गई है या जहर खिलाया गया है, कैसे भी हुआ है, लेकिन इन्होंने आकर के योगेश मिश्रा ने आज ही फांसी लगाई है, क्योंकि आज ही सुबह ये आए हैं। कल यहाँ पत्नी यहीं पर रह रही थी, तो यही माना जा रहा है कि पत्नी की जैसे ही मौत हुई है, हत्या हुई है या जहर खिलाकर मारा गया है या सुसाइड किया गया है, वो पत्नी कल रात को अपने घर नहीं गई थी, सिर्फ ये बच्चियों को लेकर गए थे। आज सुबह 6:21 पर यहाँ आए हैं, गाड़ी भी यहाँ इनकी खड़ी हुई है, तो इसके बाद में ये कर्मचारी इनके जो हैं मनोज पाठक ये आए हैं, तब जानकारी हुई है कि उनकी पत्नी की बॉडी अंदर पड़ी हुई है और इनका सब फांसी के फंदे पर लटका हुआ था, गमछे का फंदा बनाकर इन्होंने आत्महत्या की है। तो ये साफ है, क्योंकि सुसाइड नोट भी मिला है कि इन्होंने आत्महत्या की है और सुसाइड नोट में साफ लिखा है कि हम अपनी स्वेच्छा से आत्महत्या कर रहे हैं। तो पुलिस पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और ये माना जा रहा है कि हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर स्पष्ट होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया जहर खाकर और फांसी लगाकर आत्महत्या की बात कही जा रही है। जी उमेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से आपको बता दें कि थाना सिकंदरा क्षेत्र में पश्चिमपुरी में एक मामला सामने आया, जहां पर तीन लोगों ने, एक ही परिवार के तीन लोगों ने आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आपको बता दें, पति पत्नी और एक बेटी की मौत हो गई है, जिसमें से एक बेटी और थी उनकी, जिसको भी विषाक्त पदार्थ खिलाया गया था, लेकिन उसकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।